वेलकम टू माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. सो टूडे वी आर आस्क अबाउट अ न्यू चैप्टर फ्रेंच रेवल्यूशन क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवल्यूशन. फ्रेंच रेवल्यूशन का मतलब होता है फ्रेंच, इट मीन्स एक कंट्री है फ्रांस जो कि यूरोप में है, हम लगभग सब लोग जानते होंगे. रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स दैट क्रांति. जब कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी एक बड़े से पॉलिटिकल चेंज को लाने के लिए, तब और वह पॉलिटिकल चेंज एक बहुत ही छोटे समय में हो जाता है, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड टू चेंज अ बिग पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट वॉज चेंज्ड विद इन अ सॉर्ट ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज द रेवोल्यूशन. सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या थे. जब फ्रांस में बॉर्न डायनेस्टी के जो लुइस 16th किंग बने फ्रांस में, तब उन्होंने एक प्रॉब्लम को फेस किया. वो थे उनका जो खजाना था वो खाली हो चुका था. खजाना खाली होने के उनके कारण क्या थे. वो लोग अपने डायनेस्टी को बड़ा करने के लिए कई सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी वजह से वो अपने सोल्जर्स के लिए फूड, शेल्टर, क्लॉथेस एंड वेपन्स, इन सब के लिए उन्होंने कई लाखों रुपए खर्च कर दिया. उस समय फ्रांस में 1789 से पहले लेवर्स नाम की करेंसी चलती थी. जैसे अपने इंडिया में पहले गिनी चलती थी जो सोने की रहती थी, फिर आगे डेवलप्ड होते होते शेरशाह सूरी के टाइम पर रुपया चलने लगा. उसी तरह फ्रांस में भी होता था. फिर दूसरा कारण था पैलेस ऑफ वर्सीलिया. पैलेस ऑफ वर्सीलिया वह स्थान था जहां पर किंग रहता था. यहां पर इसलिए इसका कारण यह है क्योंकि वो अपने दिखाना चाहते थे कि वो यूरोप में सबसे अच्छा किला या सबसे अच्छा पैलेस उन्हीं का है. इसलिए वो लोग वर्सीलिया के पैलेस में बहुत सारा रुपया खर्च करते थे, जिसकी वजह से वहां के लोग इससे दिक्कतें झेलते थे क्योंकि वहां पर उनको कोई जो उनके यहाँ काम करते थे उनको सैलरी नहीं दी जाती थी. उनको ऐसे ही वो लोग पैलेस ऑफ वर्सीलिया में इतनी सुविधाएं रखते थे कि अपने ऐसो आराम में वो इतने मग्न हो जाते थे कि जनता का भी ख्याल नहीं रखते थे. इसी वजह से उनके जनता में आक्रोश फैल गया था. इट मीन्स वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गए थे कि ये लोग अपने यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ खाने तक के लिए पैसे नहीं थे. तीसरा कारण 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इन्होंने इंडिपेंडेंस करने के लिए उनकी मदद की थी. उनकी मदद इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि उस समय ब्रिटेन के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी और ब्रिटेन ने अमेरिका को कब्जे में रखा हुआ था. इसलिए उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस होने के लिए हेल्प की, जिसकी वजह से उनका मनी खर्च हुआ. एंड द फोर्थ स्टेप इज लोन्स. फ्रांस ने दूसरे देशों से जो लोन लिया हुआ था तो उन दूसरे देशों ने जो इंटरेस्ट था उसको बढ़ा दिया था, 5% से 10% कर दिया था. इस वजह से उनकी ट्रेजर में कमी हो रही थी. और जो सबसे अलग कारण था वो था अदर्स. इट मीन्स जो मिनिस्टर्स की सैलरी थी, सोल्जर्स की सैलरी थी, वो सब इसमें आ जाते थे. इसलिए उनका खजाना खाली हो चुका था. अब जब खजाना खाली हो चुका था तो उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया. टैक्स को जब बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा टैक्स, तभी तो उनका ट्रेजर फुल होगा. तो इसलिए उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया. अब उस टाइम पर फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था. फर्स्ट स्टेट क्लर्जी. क्लर्जी इट मीन्स जो चर्च पे फादर रहते थे,
और जो वहां पे काम करने वाले रहते थे उन्हें क्लर्जी कहते हैं। सेकेंड नोबेलिटी, जो कि मोनार्की लोग होते थे, इट मीन्स जो किंग और मिनिस्टर्स, सोल्जर्स, ये सब नोबेबिलिटी। एंड द थर्ड स्टेट, जो बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स, फार्मर्स, जो अलग टाइप के काम किए करते थे उनको कहते हैं थर्ड स्टेट में रखते थे। तो दिक्कत ये थी कि फ्रांस में सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे, बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे, वो प्रिविलेज को इंजॉय करते थे। वो लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार था कि उनको ऐसो आराम की जिंदगी दी जाए, उनसे कोई काम न करवाया जाए और वो आराम से रहें। लेकिन थर्ड स्टेट में ऐसा नहीं था, इट मीन्स वहां पे सभी लोग इक्वल नहीं माने जाते थे। लास्ट टैक्स, थर्ड स्टेट टैक्स हैड ओनली पेड बाय थर्ड स्टेट टैक्स। फ्रांस में टैक्स दो टाइप्स के होते थे, टाइथी एंड टैली। टाइथीज वो टैक्स होता था जो कि चर्च के पास जाता था डायरेक्टली से, और टैली वो थे, टैली टैक्स वो होता था जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता था। तो ये टू टाइप्स के टैक्स होते थे। अब पॉपुलेशन पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी और 1789 में वही 5 मिलियन बढ़कर 28 मिलियन हो गई। इससे वहां पर लोग भूखे रहने लगे और ब्रेड, वहां पर जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो हमारा मेन फूड होता है वो रोटी सब्जी दाल चावल होता है, वैसे ही फ्रांस में जो उनका मेन फूड था वो था ब्रेड। तो ब्रेड कंपनी में ही सिर्फ बनते थे, घर में कोई बनाकर खा नहीं सकता था। तो इसलिए वहां पर जब ये ऐसा हो गया कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने फिर ब्रेड के जो रेट थे उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो लोग बहुत गरीब थे वो खाना नहीं खा पाते थे। अब जो एक टर्म है ओल्ड रिजाइम टर्म कुछ खास नहीं है, उसका टर्म का सिर्फ ये मतलब था कि जो 1789 से पहले ओल्ड रिजाइन ये बताता था कि सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जो फ्रांस का था वो कैसा था, बस इसमें ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो 23 मिलियन और 28 मिलियन में जब लोग वो हो गए, मतलब खाने तक के लिए नहीं हो गए, तब वहां पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है तो उसको हम पढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति जहां पर लोग खाने तक के लिए पैसे ना हो या खाने तक के लिए वो लोग कमजोर पड़ चुके हों, उस जगह को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस पढ़ना बहुत ही बुरी बात होती है किसी भी डायनेस्टी या किसी भी रूल्ड एरिया के लिए, क्योंकि अगर जहां पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाएगी वहां के लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा अंदर विद्रोह पैदा हो जाएगा, क्योंकि वहां के लोगों को अब खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आज हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे लोगों ने रिवॉल्यूशन की ओर आगे बढ़े और कैसे क्या किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेजेस एंड इन टू प्रिविलेज, इट मीन्स कि कैसे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो आगे बढ़े और उन्होंने प्रिविलेज को खत्म किया, इट मीन्स उन्होंने फर्टिनिटी इक्वलिटी लाने की कोशिश की। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने मेरे 100 सब्सक्राइब पूरे कर दिए तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। तो इसके साथ चलते हैं एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।